हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को फॉर्मल शर्ट की कटिंग करना बताएंगे। इसकी जो कटिंग करेंगे हम नॉर्मल फिटिंग में करेंगे और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस शर्ट की कटिंग करने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है वो 1 मीटर 60 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये हमारे डबल अर्ज का कपड़ा है और जैसे आप सिंगल अर्ज के कपड़े को लेना चाहते हैं तो आप 2.25 मीटर कपड़ा लें तो उसमें आपकी शर्ट आराम से निकल आएगी। तो इसकी कटिंग करने से पहले हम लोग इसका मेज़रमेंट समझ लेते हैं। 29 इंच इसकी लंबाई है, 19 इंच तीरा है यानी शोल्डर, 40 इंच चेस्ट है और इसका जो पेट है यानी स्टोमेच वो है 38 इंच और 24.5 इंच इसकी बाजू की लंबाई है और इसका जो कॉलर है वो 15.5 इंच है। तो फ्रेंड्स, इसको हम नॉर्मल फिटिंग में कटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हमारे पास कपड़ा है इसको हम डबल फोल्ड करके उल्टा बिछा लेते हैं, क्योंकि जो मार्किंग होती है वो हमारे उल्टे हिस्से पर होती है। तो इस तरह से हम इसको उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसमें हम बैक में प्लेट्स भी डालेंगे एक, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको कटिंग करना अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल डिटेल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके बिछा लिया है। ये जो सीधा वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ है, उल्टे हिस्से पर मार्किंग होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी साइड की करनी है इसको हम निकालेंगे। फैशन पट्टी के लिए हम मार्क करेंगे, तो फैशन पट्टी इसमें हम 1.25 इंच चौड़ी डालेंगे, तो उसके लिए हम मार्क कर लेंगे यहाँ पर 1.25 इंच का। आप 2 इंच भी कर सकते हैं। एक मार्क हम ऊपर से लगाएंगे, ये मार्क हमारा कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है। लेंथ का निशान लगाएंगे, लेंथ है इसकी 29 इंच यानी 29 इंच। बॉटम फोल्ड करने के लिए हम जो मार्जिन रखेंगे वो 0.5 इंच से लेके 0.25 इंच रखेंगे। शोल्डर है इसका 19 इंच, तो 19 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 9.5 इंच प्लस 0.5 इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड करेंगे जब हम बाजू को अटैच करेंगे उसके लिए। अब इसके शोल्डर का मार्क करेंगे, शोल्डर है इसका 19 इंच, 19 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 9.5 इंच प्लस इसमें हम 0.5 इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से मार्क कर देंगे 10 इंच पर, क्योंकि 0.5 इंच का मार्जिन जब हम बाजू को अटैच करते हैं उसमें हमारा चला जाता है तो इसके लिए। अब फ्रेंड्स, हम आर्मोल का मार्क करेंगे, तो आर्मोल का मार्क हमारा सीने के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे सीना इसका 40 इंच है, 40 का फोर्थ मार्क करेंगे तो हमारा 10 इंच हुआ, लेकिन हम 10 इंच इसमें मार्क नहीं करेंगे। यदि हम 10 इंच का मार्क इसमें कर देते हैं तो हमारा आर्मोल काफ़ी बड़ा हो जाएगा और हमारी शर्ट बेकार हो जाएगी। इसको हम नॉर्मल फिटिंग में कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, 1.25 इंच माइनस करके इसमें 0.9 इंच पर हम मार्क करेंगे। ये जो हमारा आर्मोल है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अब फ्रेंड्स, इसकी हम कंधी डाउन करेंगे, तो कंधी हम कितनी डाउन करेंगे, तो इसकी जो कंधी हम डाउन करेंगे वो करेंगे 2 इंच। हाली का मार्क करेंगे, तो हाली का मार्क हमारा सीने के 12वां हिस्सा करके लगाया जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मार्क करेंगे वो करेंगे 2.75 इंच पर और यहाँ से भी हम मार्क कर लेंगे 2.75 इंच पर, क्योंकि इसका जो चेस्ट है वो 40 इंच है तो इसलिए हमने 2.75 इंच पर मार्क किया हुआ है। और जैसे इससे कम है तो आप 2.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं।
दोस्तों हमारा हाला जो है वो छोटा हो जाए तो इसको बड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ा हो जाएगा तो हमारा छोटा करने में हमें परेशानी होगी। वैसे दोस्तों हमने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर रखा हुआ है कि बड़े हाले को हम किस तरह से छोटा करते हैं और छोटे हाले को किस तरह से बड़ा करते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब दोस्तों जो हमने कंदी का मार्क डाउन किया हुआ है यहाँ से और यहाँ से, इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं, इस तरह से क्रॉस में मार्क कर लेते हैं। यहाँ से जो हम मार्क करेंगे यहाँ से वो हम करेंगे 1.5 इंच पर। चेस्ट का मार्क करेंगे तो चेस्ट है इसका 40 इंच, तो 40 का फोर्थ वाक करेंगे यानी चौथा वाक करेंगे तो हमारा हुआ 10 इंच, और प्लस इसमें हम जो लूचिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच की, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पर मार्क कर लेंगे तो हमारा ये 12.5 इंच आ गया है। हम बॉटम पर मार्क करेंगे तो बॉटम पर मार्क हम किस तरह से करेंगे, तो चेस्ट है हमारा 40 इंच, तो 40 का फोर्थ वाक करेंगे हमारा हुआ 10 इंच, प्लस हम यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच की। हमने ऊपर 1.25 इंच की लूजिंग ऐड की हुई थी, यहाँ पर हमने 1.5 इंच की लूजिंग ऐड की हुई है। कमर का मार्क करेंगे तो यहाँ से इस तरह से हम मिलाकर रखेंगे और इसका 20 सेंटर कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा पेट का यानी स्टोमच का मार्क है। अब जो पेट है हमारा वो है 38 इंच, तो 38 को फोर्थ भाग में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 9.5 इंच, और प्लस इसमें भी जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच की इस तरह से। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। इसमें हम सेप देंगे तो इस तरह से हम सेफर को रखेंगे। दोस्तों एक देखिए, एक ही बार में हमारी जो है सेप अच्छी तरीके से आ जाएगी, कोई हमें ज़्यादा मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसको हम ओपन बनाएंगे तो यानी चाइनीज बॉटम रखेंगे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। राउंड किस तरह से देखते हैं तो इस तरह से हम इस पार्ट को नापेंगे, नापने के बाद इस तरह से इसका हाफ सेंटर कर लेंगे। दोस्तों यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक तो बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है, यहाँ से हमें जो है वो गोलाई देनी होती है, तो इस तरह से अच्छी तरीके से हम इसमें शेप दे देंगे। इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो गई है। अब फ्रेंड्स इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं और बैक पार्ट के लिए हम ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरह से बिछाएंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हमने बैक के लिए कपड़े को बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों जो हमने फ्रंट पार्ट का पल्ला कट किया हुआ है उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। दोस्तों जो सामने का पल्ला है उसको हम 1.25 इंच अंदर बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, और ऊपर से जो हम बैक छोटी काटेंगे वो 1 इंच छोटी काटेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो शोल्डर लगेगा वो 4.5 इंच का लगाएंगे हम इसमें। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, और दोस्तों इसकी जो बैक में है वो हम 1 इंच की पीछे की तरफ प्लेट डालेंगे, जैसे हमारी रेडीमेड शर्टों में प्लेट्स आती है जिसमें लूप्स लगा हुआ होता है, हिंगल लूप्स लगा होता है, उस तरह से हम इसमें भी एक प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से हम इसको रख लेंगे। रखने के बाद दोस्तों इसकी हम मार्किंग करेंगे। इस मार्क को हम बिल्कुल सीधा करेंगे। अब दोस्तों इसके शोल्डर का मार्क करेंगे, क्योंकि 1 इंच की जो हमें बैक में डट डालनी है तो हम यहाँ से 1 इंच पर मार्क कर देंगे, इतना हमारा बैक में जो है प्लेट डाली जाएगी, तो इतना हम पहले से छोड़ देते हैं। अब दोस्तों शोल्डर का मार्क करेंगे, शोल्डर है हमारा 19 इंच, तो 19 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 9.5 इंच, प्लस आधा इंच का मार्जिन हम इसमें
जो हमारी साइड में जाएगा, आर्मोल में जाता है, बाजू चढ़ाते हैं उसके लिए। तो इस तरह से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम किस तरह से मार्क करेंगे, तो हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो करेंगे हम 1.25 इंच का, और जैसे आपको लूज रखना है वो 1 इंच का मार्क कर सकते हैं आप। अब दोस्तों हम यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे, इस तरह से हमें फटरी को रखना है। रखने के बाद यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाकर हम शेप दे देंगे। अब दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा ये हमारा काफ़ी क्रॉस हो गया है, जब हम इसमें प्लेट डालेंगे तो हमारा ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये इसी तरीके से हम बैक पर भी मार्किंग कर लेंगे। हम यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ है इस वाले मार्क से हम 2 सूत बैक को छोटा ही काटते हैं, जिससे हमारी बैक बढ़ती नहीं है और अच्छी तरीके से आ जाती है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों हम आपको ये बार ये दिखा देते हैं जिस तरह से हमने इसको कट किया हुआ है, जब हम इसकी प्लेट डालेंगे वो हमारी प्लेट किस तरह से आएगी। तो इस तरह से हमने ये बैक को कट किया हुआ है, जब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे इस तरह से हमारी जब इसमें प्लेट्स आएगी तो हमारा जो आर्मोल है बहुत ही अच्छी तरीके से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जब हमारी इसमें प्लेट्स डाली जाएगी इस तरह से, तो हमारा ये जो आर्मोल है एडजस्ट हो जाएगा और अच्छी तरीके से ये हमारा बैठ जाएगा। तो इस तरह से हमारी बैक की और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों हम इसकी बाजू की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये जो है बचा हुआ कपड़ा है, दोनों बाजू हमारी एक साथ में कट हो जाएंगी क्योंकि हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा कपड़ा है। तो इस तरह से हम कपड़े को डबल में फोल्ड कर लेंगे, जो सीधे वाले हिस्से हैं वो अंदर की तरफ हैं। आप बाजू के कपड़े को क्रॉस में भी बिछा सकते हैं और सीधा भी बिछा सकते हैं। तो इसकी जो हम कटिंग करेंगे वो हम इस तरह से सीधा बिछा लेते हैं कपड़े को। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि ये कपड़ा हमारे पास पर्याप्त है। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे, एक मार्क हम ऊपर से लगाएंगे, बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 24.5 इंच, तो यहाँ से हम 1 इंच माइनस करके लगाएंगे, 23.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 5.5 इंच पर, इसमें हमारी हल्की सी प्लेट्स पड़ेगी। तो हम यहाँ पर बाजू को किस तरह से राउंड में करते हैं यानी कितना डाउन करते हैं, तो दोस्तों 2 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है इस तरह से हम 4 इंच एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों हमने बाजू को कट किया हुआ है 9.25 इंच, तो हम यहाँ से मार्क इस तरह से लगा लेंगे 9.25 इंच पर, यानी हम इसको 2 सूत बढ़ा लेते हैं, 9 इंच पर हम मार्क कर देते हैं। तो पहला तो ये तरीका होता है। दूसरा जो तरीका होता है वो हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल बिगनर से बिगनर जो है वो भी इस तरह से कटिंग करेंगे बाजू की तो एकदम अच्छी तरीके से बाजू आएगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमने 9.25 इंच पर काटा हुआ था तो यहाँ पर हम 9.25 इंच पर मार्क करेंगे। और इसमें 9.25 इंच पर मार्क करने के बाद अब जब हम क्रॉस में मार्क करेंगे तो हम इसमें 9.25 इंच में 0.5 इंच और प्लस कर देंगे, तो 10.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा एकदम अच्छी तरीके से आ गया है, परफेक्ट आया हुआ है। तो हम इस तरह से मार्क करते हैं। यहाँ पर हम राउंड देंगे तो हम यहाँ से जो है वो 2.5 इंच पर एक मार्क करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो है स्ट्रेट रहता है, इसमें राउंड दे देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम पार्ट को खोलकर बिछाएंगे क्योंकि सामने के पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है। तो इस तरह से हमने बिछा लिया है और यहाँ पर सामने के पार्ट में हम इसमें गड्ढा दे देंगे।
एक बार हम अच्छी तरीके से इसको मिलाकर रखते हैं और पीछे की हम सेब देख लेते हैं। हमारी जो सेब है वो सही है कि हमें थोड़ा बहुत इसको कट करना होगा, तो इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी इसकी कटिंग हो जाती है। हम बैक में चाक पट्टी को कट करते हैं, तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है और ये हमारा बैक का हिस्सा है, तो बैक की तरफ हमारी चाक पट्टी कट की जाती है। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, यानी कपड़े के तीन भाग हो जाएं बराबर, और इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों जितनी भी आपको चाक पट्टी की लंबाई रखनी है तो इस तरह से आप रख लेंगे और इसको कट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। हम शोल्डर की कटिंग करेंगे, तो शोल्डर की कटिंग करने के लिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम बिछाएंगे। इस तरह से हमने कपड़े को डबल में फोल्ड कर लिया है, इसमें हम डबल शोल्डर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से एक बार हम इसको और फोल्ड कर लेंगे अब। इसके जो शोल्डर की लंबाई है वो है 19 इंच, तो 19 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 9.5 इंच, प्लस हाफ इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड करेंगे, तो 10 इंच पर हम मार्क करेंगे और इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे 4.5 इंच की। यहाँ से इसका जो बैक का हाला उठाएंगे वो उठाएंगे 2 इंच, और हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच पर। तो इस तरह से हमारे इसकी मार्किंग हो गई है, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे बैक शोल्डर की कटिंग हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको पूरा खर्चा मिलाकर दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बैक का शोल्डर है, ये बाजू है, और ये फ्रंट का पार्ट है, और ये बैक का पार्ट है। अब दोस्तों जो बैक में हमने ये प्लेट्स का जो प्लेट्स के लिए हमने जो मार्जिन लिया हुआ था वो किस तरह से आएगा, तो हम एक बार आपको शोल्डर को जमा कर दिखा देते हैं किस तरह से हमारा ये बैक का मार्जिन आएगा। तो ये हमारी जो बैक है और ये हमारा शोल्डर है, तो ये हमारा शोल्डर डबल में है, तो इसको हम बीच से कट कर लेते हैं। पहले हम एक बार आपको नाप कर दिखा देते हैं कितना शोल्डर हमारा बड़ा है। तो इस तरह से हम इस रखेंगे, इतना शोल्डर हमारा बड़ा है, इतनी प्लेट्स हमारी पड़ेगी। तो इस तरह से हम बाजू बैक के पार्ट को रखेंगे। ये हमारा जो सेंटर है, सेंटर से दोस्तों हम क्या करेंगे, इस तरह से हम एक प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से हमारी जो है बैक में प्लेट्स आएगी और यहाँ पर ही लूप्स आएगा। यदि आपको प्लेट्स और लूप्स लगाना नहीं आता है, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है, आप वो देख लीजिए। इस तरह से बनाने के बाद दोस्तों अब इस तरह से जो है हमारा वो शोल्डर है वो लग जाएगा इस तरह से। देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा ये अटैच होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो शोल्डर है ये हमारे नीचे की तरफ से अटैच होगा और ये ऊपर की तरफ से अटैच होगा। तो इस तरह से अच्छी तरीके से ये हमारी बैक बैठ जाएगी। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।